बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में। कंटाइन की शर्त खत्म हो चुकी है, जेट फ्लाइट्स तमाम तर कंट्रीज़ की बहाल हो चुकी हैं। मैं आप भाइयों को एक दो बातें इस वीडियो में सिर्फ शेयर करना चाहता हूँ, जो आपको एहतियाती तदाबीर अभी भी करनी होगी, वरना आपको भाई फाइन वगैरह हो सकता है। कुछ ख्याल कीजिएगा, चाहे आप सऊदी अरब में क्यों नहीं रहे, सऊदी अरब पर रह रहे हैं आप, मास्क इस्तेमाल करते हैं, हम सब करते हैं जी, मैंने भी उतार कर रखा हुआ है। बात यह है कि अगर आप कहीं खुले में घूम रहे हैं, आपको इसके मतलब पता है, आप मास्क उतार दें। अगर आप किसी मॉल में, किसी रश वाली जगह में, चाहे आप 5-7 दोस्त इकट्ठे बैठे हुए हैं, फिर भाई मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। किसी खुले में आप 1-2-3 दोस्त आपस में मिलकर घूम रहे हैं तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप दोस्त 5-7 भी इकट्ठे बैठे हुए हैं कहीं, तो फिर भी मास्क का इस्तेमाल कीजिएगा। और इसके अलावा किसी भी हजूम वाली जगह के ऊपर, जैसा कि बनीवाला की वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ मैं, बनीवाला का मेन बाजार जो है सुख मगरबी वाला, लाहौर होटल वाला, तो उसमें काफ़ी रश होता है। वहाँ पर आप घूम रहे हैं तो आपको मास्क इस्तेमाल करना होगा, क्यों, रश काफ़ी होता है। ये उन जगहों के लिए बताया गया है जिनके भाई आप, यानी कि जैसा कि मैं अभी बैठा हुआ, मेरे इर्द गिर्द कोई भी नहीं, अकेला बैठा हुआ ऐसे। तो कंटेंट की शर्त खत्म कर दी गई है, इसके मतलब भी आपको क्लियर कर दूँ, तमाम तर आने वालों के लिए जो सऊदी अरब में आ रहे हैं उनके लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे से मुराद क्या है, अगर खुदा न खास्ता किसी भाई को ये वैक्सीन लाहक हो जाता है, तो उसके लिए जो कंटेंट की शर्त है वो वैसे ही है, यानी कि उसको वो कंटीना में रखेंगे जितने दिन उनका दिल करेगा। हाँ, जो आ रहे हैं न्यू वीज़ा या छुट्टी वाले या जो भी दूसरी कंट्री से सऊदी अरेबिया के लिए, उनके लिए खत्म हो चुकी है। अपनी जेट फ्लाइट लेकर सीधा सऊदी अरेबिया पहुंच जाएंगे। और नंबर 3, जेट फ्लाइट्स ओपन हो चुकी हैं। कुछ भाई अभी भी मुझे कमेंट करते हैं कि भाई पाकिस्तान की फ्लाइट्स ओपन ही रहेंगी, कोई किसी किस्म का मसला दोबारा तो नहीं बनेगा। तो आप भाइयों के लिए भी है जी, सऊदी अरेबिया के लिए पाकिस्तान क्या भाई, तमाम तर कंट्रीज से डायरेक्ट फ्लाइट्स, यानी कि वाई के थ्रू आ जाए आपकी मर्जी है, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट्स बहाल हो चुकी है। इनमें वो तमाम कंट्रीज भी आती हैं जिनके ऊपर फ्लाइट्स बंद थी, ठीक है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाइट्स पहले भी ओपन थी, अभी भी ओपन है, और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इंडिया वगैरह के लिए भी फ्लाइट्स ओपन ही रहेंगी। कुछ शरायत होती हैं वो आपको अपनानी होती है, यानी कि PCR टेस्ट वगैरह और कंटेंट वगैरह की शर्त तो खत्म कर दी गई है, इससे तो जान छूटी है आपकी, ये जो शायद पैसे आप दे रहे थे, अभी आप सिंपल टिकट लेंगे और सीधा सफर कर सकते हैं।